अभी इस समय 500 सब्सक्राइबर्स हो गए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। आज है 18th of May और देखो, पता है आप लोगों को कि मैं लखनऊ जा रही हूँ एक शादी अटेंड करने के लिए, जिसकी वजह से हो ये रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग में बिज़ी हो चुकी हूँ। कल भी मैं पूरी पैकिंग कर रही थी और आज सुबह भी एक रियलाइजेशन हुआ कि वी शुड गेट समथिंग हैवी टू वेयर ऑन, मतलब बारात के दिन जो पहनते हैं। यूपी में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा कि बारात वाले दिन आप कुछ तो हैवी पहनते हो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर पहनने का कुछ होता है, ऐसे कंसेप्ट होता है। तो उस दिन के लिए अभी मैं दोपहर को शॉपिंग करके आई हूँ। एक बड़ा बहुत प्यारा सा सिंपल सा ड्रेस पसंद किया था। मम्मी का कहना ये था कि कुछ हैवी लो जिसमें कुछ लटकन और वो सब कुछ लगा हो, बट मेरा मानना ये है कि मैं कुछ ऐसा ड्रेस लूँ जो मैं आगे भी पहन सकूँ, राइट? मतलब क्योंकि मुझे इसे शूट करने अभी कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, और या फिर आप कहो कि मुझे कहीं छोटी छोटी जगहों पर जाना पड़ता है, क्योंकि मुंबई में अपन इतना हैवी पहनते नहीं है, राइट? तो उस वजह से मैंने बहुत सिंपल एक ड्रेस ली है एंड इट वाज अ लिटिल एक्सपेंसिव, बट मम्मा पापा थोड़ा सा ये हुए कि इतना महंगा इतने सिंपल ड्रेस का कैसे हो सकता है। पर मैंने कहा कि नहीं, ये टिकेगा, लंबा टिकेगा और मैं इसको हमेशा पहनती रहूँगी। तो फिर हमने ले लिया जैसे तैसे, और उसके बाद अभी थोड़ा सा फिटिंग के लिए दिया हुआ है वो, और वो कल तक मिल जाएगा। होपफुली कल इवनिंग में मैं शायद आपको दिखा पाऊँगी कि वो ड्रेस दिखता कैसे है, अदरवाइज़ आप उसी दिन देख लेना जिस दिन मैं वो पहनूँगी। अभी मेरा प्लान ये है कि मैं एक मंदिर में जाऊँगी, बिकॉज़ जिस तरीके से हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। सून विल क्रॉस 500, टच 500, और अभी 494 समथिंग सब्सक्राइबर्स पे हैं। वी आर लैकिंग विद 6 सब्सक्राइबर्स, अदरवाइज 500 हो जाते आज ही। मैंने सोचा था कि 500 होने की खुशी में मैं मंदिर जाऊंगी, बट हुआ नहीं। कोई बात नहीं, भगवान जी के पास जाएंगे, थैंक यू बोलेंगे कि इतना करने के लिए, कि इतना क्विकली, इतने कम समय में इतने अच्छे सब्सक्राइबर्स मिल चुके हैं और व्यूज़ भी अच्छे जा रहे हैं। होपफुली एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड एंड टचवुड आगे भी सब कुछ अच्छा होता रहेगा। एंड हैप्पी 500 सब्सक्राइबर्स टू अस, थैंक यू सो मच जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है, आई रियली अडोर यू। आप लोगों ने जब सब्सक्राइब किया है तो मैं ग्रेटफुल हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग मेरे रोज़ वीडियोज़ देखते हैं। अभी हम क्विकली निकलते हैं यहाँ से तो मैं आपको मंदिर दिखा पाऊँगी, राइट? लेट्स गो। चढ़ना पड़ता है ऊपर, क्योंकि थोड़ा चोटी पे है मंदिर, और उस वजह से मैं तो थक जाती हूँ, क्योंकि ना ज़्यादा चला नहीं जाता मेरे से, और ट्राईपॉड भी मैं भूल चुकी हूँ, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। पर यार ठीक है, मतलब ना वीडियो बनाती हूँ या मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कुछ चीज़ें, जिस वजह से मैं भी एक्सप्लोर करके जान पा रही हूँ कि एक्चुअली मेरी लोकेलिटी में बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं जो कि हमने देखी नहीं है। बहुत प्यारा है, मतलब अभी मैंने इसके इतने रिसर्च करके समझने की कोशिश की कि ये मंदिर कैसा है, तो देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है। मैं आपको भी दिखाऊंगी। गाड़ी हमने नीचे ही लगा दी थी, ऊपर हम चढ़ के आ रहे थे, क्योंकि फिर सोचा कि रिस्क नहीं लेना है ना, अच्छे से जाएंगे, चल के जाना इज़ परवर्डेबल, इसीलिए सोचा कि चल के जाएंगे। और चढ़ान सी है थोड़ी सी अभी चढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट वील रीच, और मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा है, मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। द प्लेस इज़ वेरी नाइस, बहुत अच्छा है, काफ़ी यू नो नेचर दिखाई दे रहा है यहाँ से। ऐसी जगह भी है कल्याण से थोड़ी आसपास में, ये मुझे पता नहीं था। दिस इज सो गुड। ओई हेलो, ओची कुची कुची, ओले बाबले ओले बाबले, देखो देखो, एई कम कम कम।
खेल रहे हैं बच्चे, लाइक दीज आर बेबीज ना। ये इधर दो तीन कुत्ते हैं, आपस में खेल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। लाइफ है ब्रो, लाइफ है। लाइक इफ यू आर अ डॉग यू कैन हैव फन। ओए हेलो, हाय। नहीं करो, शांत बैठो। हमारे साथ ही चल रहा है। ओए चला, यहाँ भी शिवलिंग है और इनके भी हम पैर पड़ लेंगे। रुक गई, चोट लग गई। इतनी तरह त्रास दिला मत, पहला दर्द है। चलो पास फटाफट निकलो। मंदिर है ना, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सुंदर है। और जहाँ भी ऐसे छोटे छोटे जो हमको दिख रहे हैं ना, शिव जी की शिवलिंग है या फिर हनुमान जी की मूर्ति है, वहाँ पे हम पैर पड़ ले रहे हैं। देखो अपने ना हिंदू में बहुत सही होता है, हमको कहीं पे भी अगर कुछ मूर्ति दिखती है या कुछ दिखता है ना, तो हम तुरंत पैर पड़ लेते हैं। कहीं पे भी अगर शिव जी दिख गए, शिवलिंग दिख गया या हनुमान जी की मूर्ति दिख गई या लिटरली तुलसी का भी पौधा दिख गया ना, तो हम बहुत ज़्यादा उसको संभाल के रखते हैं या हम उसके सीधे पैर पड़ लेते हैं। तो वो चीज़ बहुत अच्छी है और वो ना अंदर से आती है, अगर आप करते हो ना वो चीज़ तो एक अंदर से चीज़ आती है। और कई बार ऐसे भी होता है कि आप इतने अटैच हो जाते हो ना भगवान जी से, कई बार ऐसे भी होता है कि भगवान जी से हम इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि हम जब भी भगवान जी के सामने जाते हैं ना, तो हमको रोना जैसे आता है या फिर हम रुआसे हो जाते हैं। तो ये भी बहुत लोगों के साथ होता है, इवन विथ माई मम्मा। मेरी मम्मा जब भी भगवान जी का नाम लेती हैं या कहीं जाती हैं तो थोड़ी सी रुआसी हो जाती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो ग्रेटफुलनेस जो है ना, वो आपका अंदर से आता है वहाँ पर कि भगवान आपने जितना दिया है ना आज तक, उसके लिए थैंक यू, इस तरीके से। और मुझे सच में, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और अब तो जब से ब्लॉग्स बनाने लगी हूँ ना, तब से मैं यहाँ वहाँ जाती हूँ मंदिर मंदिर में, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे लगता है कि आई एम ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर हैपनिंग इन माई सराउंडिंग। सो या अभी सिर्फ थोड़े ही भगवान देख पाएँ, अभी और भी देखेंगे, दिखाती हूँ मैं आपको। ये जो मंदिर है, ये है शिव मंदिर, और पर ना इसको एकदम चढ़ाई में ये मंदिर आता है, तो इसके लिए चढ़ना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। अभी जो हमने देखा वो नीचे, वहाँ पे एक पंडित जी रहते हैं, छोटा सा उन्होंने घर बनाया है वहाँ पे, और वहीं पे उन्होंने छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है। और आपने जो अभी बंदर देखा, एक बंदर है वो उन्होंने पाल रखा है, और दो चार कुत्ते हैं जो उन्होंने पाल रखे हैं, और वो इतने मज़े करते हैं वहाँ पे। और पंडित जी वहाँ अकेले ही रहते हैं, पंडित जी नहीं दिखाए मैंने आपको क्योंकि नहीं लगा, मतलब समझ नहीं आया समय, तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। पर या तो दो चार कुत्ते यहाँ पे जो ना आपको ऐसे पीछे पीछे चलते हैं आपके, मैंने जैसे आपकी गाइडेंस, आपको गाइड कर रहे हो
या फिर ये कहो कि यू नो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हो, वैसे बहुत ही प्यारा लग रहा है। और हवा जो इतनी सुंदर चल रही है, माय गॉड थक गई हूँ मैं। बड़ा व्यू ऑफ द नेचर बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सी ये मंदिर एक्चुअली शिव जी का है, तो कहते हैं कि महाशिवरात्रि वाले दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, अदरवाइज काफ़ी ठंडा है, कोई नहीं आता, मतलब कोई ज़्यादा कोई नहीं आता है शाम के टाइम पे। इफ़ यू आर कमिंग इन वीक डेज या ऐसे आते हो तो यहाँ पे आपको कोई ज़्यादा दिखेगा नहीं, आप आराम से दर्शन कर सकते हो। ये जो सीढ़ियाँ आपको दिख रही हैं, कहा ऐसे जाता है कि ये सीढ़ियाँ हैं ना जो गिनती की 100 सीढ़ियाँ हैं, तो आप अगर ऊपर चढ़ के आओगे तो आपको ये 100 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। सोचा ये कि गिनूंगी, पर फिर सोचा जाने देते हैं, क्यों है ना कारीगरों पे शक करना, अगर कह रहे हैं 100 हैं तो होंगे, क्यों किसी पे डाउट करना है ना। इसीलिए सिर्फ यहाँ पे आए हैं आप, इंजॉय करें वातावरण को, भगवान जी के पैर पढ़ लीजिए और खुश रहिए। ज़रूरी नहीं है हर बात पे किसी को चैलेंज करना कि ऐसे कैसे हो सकता है, गिन के दिखाता हूँ। मोमेंट एंजॉय करना है भाई, मोमेंट, ठीक है। तो अभी मैं चढ़ रही हूँ सीढ़ियाँ, काफ़ी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं। मेरी मम्मा जब ये व्लॉग देखेंगी तो बोलेंगी बिल्कुल तुमसे चढ़ी नहीं जाती सीढ़ियाँ, थक जाती हो तुम तुरंत। तो हाँ मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, क्योंकि मुझे आदत नहीं है ज़्यादा। वर्कआउट तो कर लेती हूँ यार, वर्कआउट भी जैसे तैसे करती हूँ, पता है अगर वज़न नहीं ना कम करना होता तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं वर्कआउट ही नहीं करती। वो तो हाल ऐसे हैं कि वज़न इतना बढ़ गया है ना कि करना पड़ता है। सी दिस बेबी, ये छोटा सा बच्चा है ना कुत्ते का, ये हमको फॉलो कर रहा है, ये आएगा देखो अभी, आ जाओ कम कम, ये चलो। से गिर गए ना, खत्म। बहुत बहुत नीचे, देखो इसको, देखो थंबनेल के लिए फोटो मिल गया। बहुत ऊंचाई पे है ना ये, तो ख्याल आ सकते हैं आपको ऐसे कि यहाँ से गिर गई तो क्या होगा। कोई नहीं, वी हैव ऑलमोस्ट रीच, बहुत मेहनत मशक्कत से ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले हैं मंदिर में। आपको दिखाते हैं, यहाँ से ऊपर दिखाई दे रहा है, और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ये दिख रहा है, मतलब ग्रीनरी है, माई गॉड इतनी ग्रीनरी ना देखने नहीं मिलती है आज के टाइम पे, जहाँ पे सब गाड़ियाँ चल रही हैं इतना सारा। बट दिस प्लेस इज सो गुड, द व्यू, आई विल शो यू द व्यू। यू कैन सी फ्रॉम हियर, देखो ये टॉप पे है ना जो, यही है जहाँ तक मुझे लगता है, आई एम नॉट श्योर बट यही है शायद, पर नहीं यार इससे भी और अच्छा देखा था, मतलब मैंने और भी देखा था ऊपर पीक पे कुछ है, बट सी लेट्स सी, देखते हैं हम चलते हैं और आगे देखते हैं कैसा है। मन भी हो जाती है, साथ ही साथ बहुत सुंदर हवा भी चल रही है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, अच्छा लगेगा आपको यहाँ पे आना। हाँ, और एड्रेस जो है ना मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, बिकॉज आई एम नॉट प्रिटी श्योर वेयर एक्चुअली दिस इज़ लोकेटेड, आई विल गिव यू द होल एड्रेस इन द डिस्क्रिप्शन, ओके, सो डोंट वरी। अब ना ये ऐसी सीढ़ी चढ़नी है,
सीढ़ी चढ़ते चढ़ते जाओगे तो ऊपर पहुंच जाओगे। चढ़ते रहो चढ़ते रहो। मैं थक गई तो मैं थोड़ा सा बैठ भी गई। अगर आप भी थक जाते हो तो थोड़ा बैठ जाओ, कोई गाई नहीं है कि दौड़ के जाके चढ़ना है, थक जाते हो क्योंकि सीढ़ियों का ना ब्रॉडनेस बहुत ज़्यादा है। एक सीढ़ी समझो दो सीढ़ी के बराबर है, उस हिसाब से आप बहुत ज़्यादा सीढ़ी चढ़ जाते हो। थक जाओगे तो बैठ जाना। वी आर ऑलमोस्ट लाइक 10 सीढ़ियाँ छोड़ के हम पहुँच ही गए हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है। भगवान के पास जाके थोड़ी देर बैठना है तो यहाँ पे दे हैव प्रोवाइडेड यू विद दीज बेंचेस। यहाँ पे आप बैठ के आराम से सोच सकते हो, शांति से बैठ सकते हो और हवा ले सकते हो, क्योंकि होता है ना वो मंदिर में वो एक एनर्जी होती है जो आपको रिलैक्स फील कराती है। सो दिस हैज़ दैट एनर्जी। आपका यहाँ पे कब आना हुआ? 2021 को। 2021 में आए, उसके पहले कौन था? वो यूपी के थे। और आप कहाँ के हैं? महाराष्ट्र। अच्छा, आप महाराष्ट्र के हैं। अच्छा, क्योंकि शिवजी के मंदिर में थोड़े गुरुजी जो होते हैं वो यूपी के ही होते हैं, है ना? अच्छा, और आपका घर वर कहाँ पे है? वो शाहपुर। शाहपुर में। अच्छा, मैं तुम्हें इतने रहा था दिवस रात सगा आणि जेवण वगैरे कुठे बनवता आहे? खाली रूम आहे। अच्छा, आणि मग गावी कधी जाता? गावी असं काही कार्यक्रम असल्यावर जावं लागते। अच्छा, मग इथेच सगळं आपलं दिलंय की देवासाठी आता? आणि घरी कसं आहे, मुलं वगैरे? मुलगा एक आहे तो अशिंदा राहतो। अच्छा, घरवाली आहे, मुलींची लग्न झाली, सर्वांची लग्न झाली। अच्छा, म्हणून आता तुम्ही देवासाठी सगळं करताय? इथे कोण नाही ना, इथं पूर्वीचे जे होते ना यूपी बिहारचे होते, तिथे गांजा दारू मटण सर्वच चालायचं। असं होतं का? अरे बापरे, ते चुकीचं आहे। आता सुद्धा म्हणजे इथे राहायचं बोललं तर तेवढ्या करताच थांबलंय, जोपर्यंत इथे व्यवस्थित कोणीतरी माणूस येत नाही। अच्छा, तुम्हाला हे कळलं कसं की इथे यायला पाहिजे? आजारी होते जे आधी पंडितजी होते ते। हा, जे अगोदर होते ते। तर इथे तो दुकान आहे ना बाहेर, त्याने मला सांगितलं का इथे कोणतरी राहत असेल तर फार, म्हणजे सकाळी 2 टाइम आरती करायचं, हे धुवायचं वगैरे। त्याच्यानंतर पुन्हा 15-20 दिवसात त्यांची ना माझी भेट झाली, तर मी सहज विचारलं म्हणून कोणी भेटलं का नाही, म्हणे कोणी नाही, म्हणे महाराज फार आजारी आहेत, 8 दिवसाकरता तरी कोणी राहिलं तर बरं होईल।
बरोबर ठीक आहे मग 8 दिवसाकरता आम्ही राहतो इथे जे आलो इथे तर फार वाईट परिस्थिती होती म्हणजे मंदिरातल्या लाद्या वगैरे दिसत नव्हत्या तिथे किचन मध्ये तर जातच नव्हतो आम्ही एवढी घाण होती बापरे आणि 24 तास गांजा ते लोक प्यायचे लोक भरपूर यायचे पण मंदिरात काम करणारा माणूस मटन चिकन कसं खाऊ शकतो ते हे काय माहिती का खरं सांगतो मॅडम हे आपल्याच लोकांची चुकी आहे इथे जे स्थानिक लोक आहेत ना त्यांना ह्या गोष्टी समजत नाही आणि हे लोक येऊन तिकडनं यांना काही सांगतात इथले लोक खरं मानतात आणि मग त्याचा परिणाम असा होतो बरेचसे लोक मग चांगले लोक कोणी येत नव्हते मंदिरात आले तरी जायचं आणि तिथे बाकड्यावर वगैरे बसून गांजा प्यायचे आणि चांगल्या पोरांना ते गांजा वगैरे प्यायला शिकवायचे मग ते तिकडनं काय ते गांजा घेऊन यायचे इथे प्यायचं पोरं आली का त्यांना मग हे करायचं त्यांच्याकडचीच अच्छा हा त्यांच्याकडचीच पोरं मग ते आले का ते हे करायचे सर्व गांजा वगैरे त्यांना सामान वगैरे आणायला सांगायचं वगैरे त्यांना गांजा प्यायचे पण इथून दुकानं वगैरे खूप लांब आहे ना काय दुकानं वगैरे इथून खूप लांब आहे बाजारपेठ तर लांब आहे तरी जायचे मग तेव्हा 2021 पासून जे सुरू झालं तेव्हा आजपर्यंत चालूच आहे चालूच आहे मध्ये मी 4 महिने नव्हतो अच्छा नंतर आता शिवरात्रीच्या अगोदर हे अध्यक्ष मॅडम वगैरे त्यांनी फार फोन केले मग तुम्हाला इथे राहायचं काही भेटतं का की नाही काही नाही काही नाही ना काही नाही देवा तुम्ही आम्ही जे येतात ते असे पैसे देतात त्याच्यामध्ये तेवढंच नाही तर त्याच्यामध्ये बाकीच्या गोष्टी पण कराव्या लागतात आमचं साहित्य हा आणि तुमचं तुमची म्हणजे राशन वगैरे तर तुम्हालाच भरायचं आहे तर काय करणार कधी कधी ते देतात पण ते काय तेवढं पुरेसं नसते आता पुढे पुढचं काय म्हणतात तिथेच राहणार आहात इथे तसं काय हे नाही परंतु एक इच्छा आहे का जोपर्यंत इथे व्यवस्थित कोणी तो कुठलाही असू द्या VP असू द्या बिहारचा असू द्या पण तो निर्वेशनी पाहिजे असो बिलकुल बिलकुल कारण हे मंदिर आहे आणि जागृत स्थान आहे फार पूर्वीचं स्थान आहे पाडलेली मंदिर आपले मोगल लोकांनी पाडलेली मंदिर आहे आणि त्याच्यातलं आहे आणि जे पण आता मागे इथे आला होता त्यांनी इथे बसला होता जपायला जप करत असताना बाहेर निघाल्यावर त्यांनी आम्हाला सांगितलं की मी केदारनाथला गेलो होतो तिथे जो मला अनुभव आला तोच अनुभव इथे मी जप करत असताना म्हणजे एवढं जागृत स्थान आहे इथली जी देवी आहे ती सुद्धा इथली स्थानिक आहे फार कोणालाच माहिती नाही एक मंदिर किती पूर्वीचं आहे ते असं पण इथे नंदी भेटलं मारुतीचं हे भेटलं काम करत असताना त्याच्यावरून आणि जे आपले पुरातन लोक हे करण्याचे जे येतात त्यांनी त्याचा हे केला का बाबा हे इ.स. 1300 अगोदरचं मंदिर आहे आणि याचे सर्व अवशेष याच्यामध्ये गेलेले आहेत म्हणजे पाडीच्या चारी बाजूने गेलेले बाहेर जे बाकडे आहेत तेवढले एक एक गगड आहे जुन्या मंदिरात आणि हे पहाडी अजून उंच होतं ते पुढचं हॉल बनवण्याकरता एक डोंगरी हो याच्यावरती पण एक होतं ना असं काही टोक असं आहे ना हापूरचा समोरचा जो हॉल आहे ना तो बनवण्याकरता त्यांनी म्हणजे लेवल केली आणि ते लेवल केल्यामुळे त्याची माती बाजूला गेल्यामुळे जे जुने दगड होते ते काढले गेले काही फार मोठे ते फार काही ठिकाणी भेटतात असं इथे एक फक्त दगड आहे आणि एक पायरी आहे जे त्याच्यावरून सुद्धा समजते आणि हे जागृत स्थान आहे आणि पुणे जिल्ह्यात एक हे आहे जे प्रसिद्ध किंवा एक चांगलं स्थळ आहे बरेचसे लोक येतात खरं तर म्हणजे हे नॉर्मल लोकांचं जे आहे ना सिटी त्याच्यापेक्षा लांब आहे भरपूर त्यामुळे ना इकडे तुम्हाला एकदम शुद्ध हवा आणि सगळं भेटतं ना खाली आल्यावर माणूस थकला जातो परंतु इथे आल्याच्या नंतर त्याला थकवा जातोय खरं निघून जातो खूप बरं वाटतंय भेटून खूप छान वाटलं गुरुजी तुम्हाला ओम नमस्कार दोन्हीकडे चालते उजव्या हातात कसं काम वगैरे करावं लागतंय हरिओम गुरु ओम शांती शांती
भैया आप भी यही रहते हो? नहीं तो आप ये करने को आते हो यहाँ के सफाई? कब कब आप करते हो ये? ये सिर्फ इवनिंग में, ये टाइम पे। हर रोज होता है? हाँ अभी आरती होता है तो 6:30-7 बजे आरती होगा। तो मतलब ये इनके नहाने का टाइम होता है, ऐसे होता है क्या? अच्छा, एक बार मॉर्निंग में। हाँ जी। और एक बार इवनिंग में। तो सिर्फ शिवलिंग साफ होती है या और भी कुछ? ये शिवलिंग और झाड़ू वगैरह जो भी बाहर। अच्छा। सुबह ज़्यादा अच्छे से साफ होते हैं और शाम को सिर्फ ये अभिषेक होता है। तो ये आप सेवा के हिसाब से करते हैं? यस यस यस। अच्छा, आपका आपके मन की इच्छा के अनुसार। आप आर्किटेक्ट हैं? अच्छा, तो ये आप कैसे करने लग गए, कुछ बता सकते हैं? आप भी करो, आप भी करो, आपकी भी इच्छा हो जाएगी। इच्छा हो गई तो करो, क्या ऐसे ही पकड़ो ना। वो बजे ये साइड बैठो। हाँ दोनों हाथ से करो। ये कहे से आप रगड़ रहे हैं? ये शैम्पू है। और सर शैम्पू है। शक्कर और अभी शक्कर शहद वो सब डालेंगे। अच्छा, कोई इसी अभी से किया जाता है ना, शक्कर शहद दूध और दही। अच्छा, आप कहाँ के भैया? मैं इधर ही डेंगर ले। और वैसे आपका नेटिव प्लेस? नेटिव प्लेस मेरा संभल में है, औरंगाबाद। आप भी मराठी हैं? हाँ। अच्छा, मुझे लगा कि आप नॉर्थ इंडिया के होंगे। अच्छा लगा मिलके भैया। हमको ये भी आता है ना। हाँ। ऐसा नया आप लोग किधर गए? मैं तो लखनऊ की हूँ। उसको अभी हम यहाँ पे कल्याण में रहते हैं। लखनऊ में किधर से? लखनऊ में उन्नाव। अच्छा, मैं भी जा रही हूँ, परसों लखनऊ जा रही हूँ। अच्छा, आपकी हिंदी से लगता नहीं कि आप मराठी हो, आप बहुत अच्छी हिंदी बोलते हो। वाह, चलिए आप सेवा कीजिए, हम मिलते हैं आपसे। बाय। देखा ना, मतलब ऐसी जगहों पे जब आप आते हो ना तो हर आदमी आपसे बात करता है, और वो भी बहुत प्यार से। इतना दिल खुश हो गया ऐसे बात करके, और थोड़ी सेवा भी कर दी। सेवा मतलब क्या कि शिव जी को हाथ लगा लिया, उसकी खुशी है। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ से बहुत सुंदर व्यू है, बहुत सुंदर है। ये यहाँ पे चोटी से दिखाई देता है, मतलब अगर आप पीछे से देखोगे तो ये आपको दिखाई देगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ तक है, यहाँ पहुँचना है। और ऐसे आपको शायद नहीं दिखाई देगा, पर देखो कैसा है ना कि कैमरे में ये बयां कर पाना कि कितना सुंदर है वो तो मुश्किल है, पर बहुत अच्छा लगा। ये जो इन्होंने कलावा बांधा है ये बहुत पसंद है मुझे। हमारे घर जब भी पूजा होती है तो पंडित जी हमारे जो आते हैं वो हमेशा बांधते हैं हमको। और अभी बहुत समय से मैं किसी पूजा में बैठी नहीं हूँ और ना ही कहीं गई हूँ, इसके अलावा बांधने का पूजा है। पर आज बहुत अच्छा लग रहा है, एक अपना था कि मैं रानी और भगवान जी को थैंक यू बोल रही हूँ कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया उसके लिए। सो तो अभी मैं उनको थैंक यू बोल रही हूँ, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत ही प्यारा लग रहा है। होपफुली बहुत सारी अच्छी चीज़ें अभी आने को हैं।
back home and then I'll see you at home probably. मैं घर आ गई थी लगभग 7:30 बजे तक, और मैं इसी आस में थी कि कब यू नो 500 सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं, और अभी इस समय 500 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं एंड आई एम सुपर हैप्पी एंड आई एम सो मच ग्रेटफुल. थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन हु हैज सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू एवरी वन फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. थैंक यू एवरी वन फॉर रिएक्टिंग टू माई वीडियोज़. लाइक करने के लिए थैंक यू सो मच, और सपोर्ट करने के लिए थैंक यू, और जो लोग रैंडमली कभी भी कॉमेंट कर देते हैं ना यार कुछ भी, तुम लोग बेस्ट हो यार. तुम लोग मतलब मेरे को इतना ज़्यादा खुशी देते हो ना, जब भी मैं कोई कॉमेंट देखती हूँ मेरे वीडियो में आई फील सुपर हैप्पी. थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग. दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप यू लाइक द वीडियो. अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना. और कुछ नहीं चाहिए बाकी. आई विल सी यू इन टुमॉरोज़ व्लॉग. तब तक के लिए बाय.